हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फ्यूचर ऑफ किचन में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम एक नए रेसिपी के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम अपने किचन में कटहल की सब्जी बनाएंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। कटहल की सब्जी बनाने की सारी सामग्री हमने पहले से रेडी करके रख ली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने 3 प्याज को अच्छे से कट करके ले लिया है। कुछ सूखा खड़ा लहसुन लिए हैं और ये हमारा साबुत खड़ा गर्म मसाला है। 2 अदरक और कुछ हरी मिर्च हमने लिया है। ये हमारा 1 kg कटहल है, जिसे हमने पहले से बॉईल कर लिया है और बॉईल करके हमने इसे कट कर लिया है। चलिए चलते हैं अपनी सब्जी बनाने। लहसुन, गरम मसाले, हरी मिर्च और अदरक का हम पेस्ट बना लेंगे। हमने गैस पे कढ़ाई पहले से चढ़ा के रख दिया है। कढ़ाई गर्म हो चुका है। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो गया है। तड़का देने के लिए हम थोड़ा सा पचफोरन डालेंगे। थोड़ा सा पचफोरन डालेंगे, एक छोटा टुकड़ा तेजपत्ता का डालेंगे, एक सूखा लाल मिर्च डालेंगे। हमारा तड़का चटक गया है। हमने जो प्याज कट कर रखा था वो प्याज डालेंगे। प्याज को ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। प्याज को ब्राउन होने तक हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमारा प्याज बहुत ही अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें अपना कटहल डालेंगे। इसे अच्छे से चला लेंगे। हम अपने कटहल को 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। हम अपने कटहल को बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि वो चिपके ना। हमारा कटहल अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें अपना सारा मसाला डालेंगे। हमने जो मसालों का पेस्ट बनाया था वो पेस्ट हम डालेंगे। एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, एक चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, एक चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। हल्का सा पानी डालेंगे और हम इसे अच्छे से चला लेंगे। हम अपने मसालों को अच्छे से भून लेंगे। जब तक हमारा मसाला ऑयल ना छोड़ दे तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। मसाला ने ऑयल छोड़ दिया है। दो से तीन गिलास हम इसमें पानी डालेंगे। हम अपनी सब्जी को 3 से 4 मिनट तक अच्छे से ढककर पका लेंगे। दोस्तों, हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई है। हम अपने गैस को ऑफ कर देंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे, हरा धनिया पत्ता, ताकि इसे और भी सुंदर और टेस्टी बनाए। हमारी कटहल की सब्जी है बनकर रेडी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही लजीज बनी है। अगर आप भी इसी तरह से सब्जी बनाएंगे कटहल की, तो आप चिकन और नॉनवेज खाना भूल जाएंगे। आप भी इसी तरह से सब्जी बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कटहल की सब्जी की रेसिपी कैसी लगी। हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।